नमो यूनिवर्स। प्यारे दोस्तों, क्या आप जानते हैं वह कौन कौन से तरीके हैं जिनसे यूनिवर्स हमें मैसेज भेजता है या सिग्नल भेजता है? हमारी शिकायतें रहती हैं कि यूनिवर्स हमारी बातें नहीं सुनता। ऐसा बिल्कुल नहीं है। यूनिवर्स सबकी बातें सुनता है। क्या आपको पता है यूनिवर्स से बात करने के लिए क्या करना होता है, कि यूनिवर्स ने आपसे बात करने के लिए कौन सा संकेत भेजा है? कई बार क्या होता है, हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी कर रहे हैं, मेडिटेशन भी कर रहे हैं और अफर्मेशन भी कर रहे। कहने का मतलब है कि जो भी विधि आपको बताया गया सब कर रहे हैं, फिर भी यूनिवर्स हमारी विश का रिप्लाई नहीं कर है। मैं आपको एक बात अच्छे से बता दूं, यूनिवर्स सबकी बातें सुनता है। मैं इसलिए ऐसा बोल रहा है। क्या आपको पता है यूनिवर्स हमसे कैसे बात करता है, तो आपकी विश कैसे पूरी होगी? यूनिवर्स आपसे कभी भी डायरेक्ट बात नहीं करेगा। यूनिवर्स आपको मैसेज या संकेतों के द्वारा बात करते हैं, और वो संकेत आपको कहां से मिलते हैं जानने के लिए वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक देखना, ताकि आपसे कोई महत्वपूर्ण जानकारी ना छूट जाए, क्योंकि आधी अधूरी जानकारी निष्फल होती है। तो चलिए बिना देरी किए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर आपने कभी आइडेंटिफाई नहीं किया, तो अब ये जो मेटा मैसेज हैं, हमें पांच तरीके से हमको मिलते हैं। सबसे पहला मैसेज हमारे संक्षेप में, हमारे सोल के लेवल पर हमें ये मैसेज मिलते हैं। दूसरा मैसेज हमें मिलता है हमारे मेंटल लेवल पर। तीसरा मैसेज हमें मिलता है हमारे बॉडी लेवल पर, फिजिकल लेवल पर। चौथा मैसेज हमें मिलता है आउटर लेवल पर, बाहरी स्तर के लेवल पर, लोगों के लेवल पर, सोसाइटी समाज के लेवल पर। और पांचवा मैसेज हमें मिलता है पशु पक्षियों के लेवल पर है। तो कैसे इनको रिसीव करेंगे? सबसे पहले हमारे इनर वर्ल्ड में, हमारे सोल के लेवल पर हमें कुछ मैसेज मिलते हैं। अब आपने ये बहुत बार सुना होगा, हमें पता भी है कि हमारे पास पंच सेंसेस हैं। और कितनी बार आपने ऐसा सुना है कि जब ऊपर वाला यूनिवर्स किसी इंसान की एक सेंस को कम करता है, तो वो किसी दूसरी सेंस को बढ़ा देता है। आपने बहुत बार ऐसा देखा होगा, जिन लोग की आंखें नहीं हैं, बचपन से उनके पास उनके गले, उनके ऑडिटरी सेंस के ऊपर वाले ने ऐसा डेवलप करके भेजा है, वो ना पहचाने। वो एक अलग बात है, उनकी कैनास्टेटिक सेंस को फुल करने की, टच करने के सेंस को अमेजिंग डेवलप किया है किसी इंसान से। जब ऊपर वाला किसी एक सेंस को बंद करता है, तो वो कोई ना कोई और सेंस में एक्स्ट्रा पावर दे देता है, जिसको हम सिक्स्थ सेंस कहते हैं। उसमें वह भयंकर पावर डेवलप कर देता है। तो हमारे पास एक सिक्स्थ सेंस है। अब मैंने इसको ऐसे समझा कि अगर हम इन पंच सेंसेस से जो एनर्जी मिल रही है, अगर हम उसको कंजर्व कर लें, अगर हम अपने आप को थोड़ा सा संभाल लें, तो ये एनर्जी शायद कहीं और किसी जगह हमारी किसी और सेंस को एक्टिवेट कर दें। और बहुत से लोगों के अंदर आपने ये सिक्स्थ सेंस के रूप में देखी भी होगी, कि बहुत लोगों की सिक्स्थ सेंस बहुत तेज होती है, जिसको इंटेंशन बोला जाता है, जिसको मैंने क्लियरॉन्स बोला, कि यूनिवर्स के कुछ सिग्नल्स ऑटोमेटिकली आपको प्री सिग्नल पहले से ही मिलने लग जाते हैं। तो हम अगर यूनिवर्स के सिग्नल्स को पकड़ना चाहते हैं अपने सोल के लेवल पर, तो हमको अपनी पंच सेंसर को विराम देना होगा। अब आप समझेंगे, थोड़ा सा कनेक्ट कर पाएंगे कि क्यों पहले बहुत ज्यादा लोग फास्टिंग करते थे, अपनी सेंस को विराम देने के लिए, अपने अंदर सिस्टम को रेगुलेट करने के लिए। क्यों लोग मौन व्रत रखते थे अपनी सेंस को विराम देने के लिए, ताकि जो एनर्जी है वो बचा रहे हैं, वो किसी और जगह पर उनको इंटेलिजेंस के लेवल पर उनको कुछ बढ़ करके मिले। तो अगर हम एक मेडिटेशन की प्रैक्टिस करें, जिसमें इंटेंशनली हम ऐसे बैठे हैं कि हमको अपनी पंच सेंस को उसे नहीं करना, और इसके रिजल्ट में जो सिक्स सेंस के रूप में आपको इंटेंशन मिलेगी, या जो आपको इंटेलिजेंस एक डेवलप हो गई, कई चीज के सिग्नल्स आपको अंदर से कहीं बाहर से कुछ नहीं आ रहा, लेकिन आपको खुद पता चलेगा। आप उस सिग्नल को पकड़ पाएंगे कि यार ये बच्चा यहां से गिर सकता है, इसको पकड़ लो यार, ये चीज होने वाली है। मैं ये नहीं बोल रहा हूं, आप इसको खुद फुल करके देखेंगे। जब आप इस प्रैक्टिस को अपनी डेली रूटीन का एक पार्ट बनाएंगे, सिर्फ 10 मिनट अगर आप अपनी सेंसेक्स को स्टॉप करके उसे मेडिटेशन को करते हैं, सिर्फ इसलिए मुझे अपने साथ कनेक्ट करना है, तो आप देखोगे कि आपका एंटीना सही जगह सेट हो जाएगा। सेकंड, आप मेटा मैसेज को कैसे समझ सकते हैं मेंटल लेवल पर, दिमाग के लेवल पर। और दिमाग जो बुद्धि के लेवल पर समझना है, वो है कॉन्शियसनेस का लेवल, और हमारे पास लॉ ऑफ कॉन्शियसनेस है। और आपने ये नोट भी किया होगा कि हमारे पास लगातार दिन में विचार चलते रहते हैं। उनको बहुत से लोगों ने नंबर्स भी दिए कि वो 30,000 से लेकर
90,000 तक इतने थॉट्स हमारे पास लगातार माइंड में चलते रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक पेज है, उस पेज पर मैं बहुत सारी लाइंस लगा देता हूँ, बहुत सारा उसमें उस पेज को क्या तक बना देता हूँ, उसको कलर कर देता हूँ, भर देता हूँ। तो अब मैं कहूँ कि इसमें एक डॉट है, आपको वो डॉट ढूंढनी है, क्या वो ढूंढ पाएंगे? नहीं। ठीक, वही एक दूसरा पेज है जो बिल्कुल ब्लैक है, उसमें मैं एक सिंगल डॉट लगाऊं और आपको कहूं ये डॉट आपको ढूंढनी है, तो कितना आसान होगा। और हम इसको बोलते हैं यूनिवर्सल इंटेलिजेंस। लेकिन ये यूनिवर्सल इंटेलिजेंस से भी ज्यादा ये क्लैरिटी इसका सबसे बड़ा इंग्रेडिएंट है कि जहां पर वो लाइंस नहीं है जिस पेज में, वहां पर क्लैरिटी है कि हम उस डॉट को क्लियरली देख सकते हैं। अब वो मैसेज जो हमको पढ़ना चाहिए था, यूनिवर्स ने दिया, हम उससे कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि वो हमें मिल नहीं रहा, इसका मतलब ये है कि हमने बहुत सारे थॉट से, बहुत सारी विश से अपने पेज को भर रखा है, जिसमें वो पार्टिकुलर उस थॉट को पहचाना थोड़ा सा मुश्किल है जिसके बारे में मैंने अभी बात की। और आप यकीन मानो, हमारे माइंड में एक इंटेलिजेंस है जिसको रस फैक्टर बोला जाता है, रेगुलर एक्टिविटी सिस्टम। ये लगातार इस यूनिवर्स से कम्युनिकेट कर रहा है और उससे कनेक्शन एस्टैब्लिश कर रहा है, लेकिन हम उस रस को कभी भी कनेक्ट नहीं कर पाते क्योंकि हमारे माइंड में लगातार क्रायोटिक सिचुएशंस बनी हुई है, थॉट्स बने हुए हैं, इतना विचारों का जंजाल है कि हम उस रस को कम करने की अनुमति नहीं दे रहे। जो प्रीफ्रंटल लोब को एक्सेस चाहिए था, उस सारीज का हम नहीं दे रहे हैं। सब कुछ साइंटिफिक है, कुछ भी ऐसा नहीं है जो बिना किसी एविडेंस के चल रहा हो, सब कुछ। आज एपिजेनेटिक्स, आज साइको न्यूरो इम्यूनोलॉजी, आज साइको फिजियोलॉजी, जो क्वांटम साइंस है, ये सब चीज इन चीजों को प्रूफ कर चुकी हैं कि एक्चुअल में ये सब चीज काम कर रही है क्वांटम लेवल पर। और आगे की वीडियो में बहुत डिपली इन सब चीजों को आपके साथ शेयर करूंगा, और बहुत कुछ लाइफ के गहरे रहस्य मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं। आपकी कॉन्शियसनेस का जितना लेवल बढ़ेगा, उतना ज्यादा आप मेटा मैसेज को कनेक्ट कर पाएंगे। वो मैसेज आपके दिमाग में 50 तरह के विचार लेकर आएंगे, और कई बार उन विचारों से कोई आइडिया भी आता है। मान लो मेरे मन में विचार आया, मुझे इस टॉपिक पे वीडियो बनाना था, इस टॉपिक पर बात करनी थी, या कोई यूट्यूब चैनल बना लूं, या ये प्रोजेक्ट लॉन्च कर दूं, और दो दिन बाद हम देखते हैं कि वो किसी और ने कर लिया, तो मेरे दिमाग में आया था पर आपने पकड़ा नहीं क्योंकि इतनी जल्दी दूसरे थॉट माइंड में आए और हम इसे स्किप कर गए। हमने इसे गंभीरता से नहीं लिया कि उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। हाँ, सब्जी कौन सी लेके आनी है? हाँ यार, कल तो मुझे वहां निकलना है उसके लिए। क्या बाघ बिना फालतू के, बिना सिर्फ पैर के विचार, और इनके बीच में वो एक हीरा छुपा था जिसको हम कनेक्ट नहीं कर पाए, और कोई और जो उसे कॉन्शियसनेस के लेवल पर देख रहा था उसको कनेक्ट कर गया। तो बेसिकली अगर हम मेंटल लेवल पर मेटामॉर्फोसिस को कैच करना चाहते हैं तो अपनी अवेयरनेस को बधाई, अपनी कॉन्शियसनेस को बधाई, अपने पेशेंट्स लेवल को बधाई। और मैं अक्सर बहुत से वीडियो में ये बात हूं कि धीरे धीरे छोटे छोटे कामों को कॉन्शियसनेस से करना शुरू कीजिए। इसकी शुरुआत अभी इस वीडियो से कर सकते हो। कॉन्शियसली इस वीडियो को देखो, मेरी बात को सुनो, बड़े ध्यान से देखो कि मैं क्या बात कर रहा हूं। और अगर आपके थॉट्स, अगर आपके विचार कहीं और वंडर करने लगे, तो उसको वापस से यहां ले आओ कि इसको सुनना है, ये बांदा क्या बोल रहा है, समझना है। मैंने बोला हो सकता है ये भी एक यूनिवर्स मैसेज हो आपके लिए। तीसरा, हमें वो मैथमेटिक्स मिलते हैं। बॉडी लेवल पर बहुत बार ऐसा होता है कि हमें हमारी फिजियोलॉजी उस बात का जवाब दे रही होती है, लेकिन हम उसको कुछ और ही समझना होता है। हम समझ जाएंगे तो कोई सेंसेशन है जो एकदम सही और चली गई नहीं, और इसमें बहुत बड़ा रोल है जिन लोगों ने हमें गलत इन्फॉर्मेशन दी, बड़े कवियों ने या पिक्चर्स ने, मूवी ने। बॉलीवुड में स्पेशली जब लड़की मिलेगी तो बहुत तेज तेज दिल धड़के का हवाएं चलेंगी और ऐसे सांसें ऊपर नीचे हो जाएंगी। लेकिन थ्योरी ये बोलती है कि जब भी आपको आपका राइट पार्टनर मिलेगा तो आपकी सांसें ऊपर नीचे नहीं होंगी। सांस ऊपर नीचे हो रही है तो गड़बड़ है कल को, वो राइट पार्टनर पूरी। और यही दुनिया के साथ हो रहा है कि सांसें ऊपर नीचे हुई, हमने समझा सिग्नल है, लेकिन वो गलत सिग्नल था। जब एक राइट पार्टनर हमें मिलेगा तो हम उतने ही ज्यादा उत्सुक होंगे, कंपोस्ट होंगे, रिलैक्स्ड होंगे। जिन थ्योरी बोलती है कि एक अच्छा व्यक्ति जब मिलता है तो हमारी हार्ट बीट बढ़ रही है, अगर हमें टेंशन हो रही है तो इसका मतलब कुछ सही जगह हम कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, हम किसी और चीज से प्रभावित हो गए हैं जिससे नहीं होना था। तो बेसिकली हमें ये बॉडी सिग्नल्स के पहचाना है, जो भी चीज आपके लिए अच्छी होगी वो आप में कमनेस लेकर के आएगी।
अब मैं किसी डर में या किसी उस विषय में बात नहीं कर रहा हूं। नॉर्मली जब हम किसी से कनेक्ट करते हैं या कोई चीज हम तक कोई मैसेज पहुंच रहा होता है, तो हम उस मैसेज से हमें हमारी बॉडी में क्या भाव नजर आ रहे हैं, रिलैक्सेशन का भर आ रहा है, बीस का भाव आ रहा है, हमने इसका भाव आ रहा है या कल्पिटॉन हो रही है, तो अपने शरीर के सिग्नल्स को पहचानो। अपना एंटीना थोड़ा सा सही कीजिए और लास्ट में मेटा मैसेज हमें मिलेंगे एक्सटर्नल लेवल पर, ये सोसाइटी के लेवल पर, समाज के लेवल पर, लोगों के लेवल पर, और वह मैसेज हमें कैसे कैसे हम समझ सकते हैं कि ये चीज मेरे लिए ही है। आपको वह चीज रिपीट होंगी बार बार, कोई यूनिवर्स आपको मैसेज देना चाहता है तो वो हो सकता है कि किसी की शर्ट में लिखा मिल जाए, वही मैसेज आपको किसी बिलबोर्ड पे लिखा मिल जाए, वही चीज आपके पास मैसेज आया, बार बार रिपीट होगा। और जब भी आप किसी यूनिवर्सल मैसेज को एक्सपेक्ट कर रहे हैं या किसी बात का आप जवाब चाहते हैं यूनिवर्स से, वह सवाल आपने अपने अंदर ही पूछ रखा है, तो यूनिवर्स आपको उस बात का जवाब देगा। लेकिन उसके लिए जरूरत है आपको यहां पर इन सेंसेस की, आउटर वर्ल्ड की। और जब भी आप किसी चीज को देखो, आप उसको ऐसे देखना कि किसी पर्सन की बात को, किसी झगड़ा को लड़ा, हर एक इवेंट एक ऑब्जर्वर बन जाओ। बड़ा क्लियरली कॉन्शियसली ऑब्जर्व को ऑब्जर्व करो, ऐसे जैसे आप उसे पहली बार देख रहे हो। मैं जो बात बोल रहा हूं, आपको इस यूनिवर्स से कुछ अपेक्षा समय के अनुसार चाहिए, तो उस बात को ऐसे सुनो जैसे जिंदगी में पहली बार सुन रहे हो। कहते हैं कोई एक साल का बच्चा बोल रहा है, उसे भी बड़ी ध्यान से सुनो, पता नहीं कहां से क्या मैसेज यूनिवर्स हमें दे, क्योंकि वो कभी भी डायरेक्टली नहीं आएगा, वो किसी न किसी शक्ल में वो सिग्नल या मैसेज हम तक पहुंचने की कोशिश करेगा। लेकिन हमें लगता है, क्या ये कौन है, ये तो कोई आम सा बांदा है, ये मुझे क्या बताया। लेकिन उस राम से बंदे के अंदर से ही वो एक डिवाइन सिग्नल और डिवाइन मैसेज हमें मिलना था, जिससे हम कनेक्ट नहीं कर पा रहे थे। क्योंकि जब आप किसी चीज को पहली बार सोच करके देखते हैं, तो आपके पास बिलीफ या पस्त में उससे रिलेटेड जो भी चीज है वो अटैच नहीं होती। आपने किसी बिलबोर्ड को देखा, आप 15 बार पहले भी उसे देखते थे, लेकिन आज मैं इसे पहली बार देख रहा हूं। आपने किसी की शर्ट पे लिखा हुआ, कोई कोट पर, किसी बुक में लिखा हुआ, कोई मैसेज पढ़ा, किसी बुक की कोई लाइन पढ़ ली, इस वीडियो में से कोई लाइन निकाल ली, ऐसे देखो कि जैसे पहली बार ये चीज में देख रहा हूं। कि बहुत पहले तो ये कलर मैंने इसमें दिखाई नहीं दिया, और अगर अभी आप कोई बुक पढ़ रहे हो तो उसका जो रिसेंट पेज है उसको इस वीडियो के बाद दोबारा से पढ़ना कॉन्शियसली, ये सोच करके कि मैं इसको पहली बार पढ़ रहा हूं और मुझे इससे कोई जवाब चाहिए। यूनिवर्स, आप देखोगे कि एक किसी लाइन में आपको जवाब मिल जाएगा, मिल जाएगा। तो वीडियो पर वापस आकर बताना, ताकि और लोगों को भी पता चले कि वाकई अगर हम थोड़ा सा अवेयर हो जाए अपने सक्सेस के लेवल पर, और इन सेंसेस को ऐसे अलर्ट रखें, ऐसे देखें कि मुझे ये पहली बार चीज मिल रही है, तो आपको उसमें से कॉन्शियसली कुछ ना कुछ जरूर मिलेगा जो आपकी लाइफ के लिए एक बहुत बड़ा ट्रांसफार्मर साबित होगा। तो आउटर वर्ल्ड में देखो कौन पर्सन क्या बात बोल रहा है, और इस चीज को देखो कि क्या चीज बार बार रिपीट हो रही है, क्यों एक ही तरह के लोग मेरी जिंदगी में बार बार आ रहे हैं, एक ही पर्सन आकर बार बार एक ही बात बोल रहा है, या बार बार धोखा दे रहा है, या बार बार कोई डिसलाइक कर रहा है, समझो वहां पर कुछ है। कॉन्शियसली ऑब्जर्व करो, बहुत कुछ मिलेगा, मिले तो वापस आकर जरूर बताना। इस वीडियो पे अगर आप पहली बार हमारी वीडियो से जुड़े हैं तो एक लाइक जरूर करना, जिससे हमें मोटिवेशन मिलता है। साथ ही ऐसी ही जानकारी भरी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल यूनिवर्स लॉगिन को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।